हाय गाइस, दिस इज देव एंड वेलकम बैक टू आवर स्टडी चैनल स्टडी हब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक का करंट अफेयर। चलिए साथ में मिलकर शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। हाउ मेनी मेंबर ऑफ आईएमएफ, आईएमएफ में कितने मेंबर हैं? नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले देख लेते हैं 180, 190, 195 या 185। इसका सही जवाब है 190। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? 190। चलिए फिर हम देख लेते हैं आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। क्या? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, नेक्स्ट द हेडक्वार्टर ऑफ आईएमएफ, आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहां पर है? ठीक है, नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले देख लेते हैं क्या क्या है। इंडिया, यूएसए, चाइना, जापान। आपका सही आंसर है यूएसए। क्या? यूएसए। चलिए हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हिमालयन गिल्फन्स आयुष्यान स्टेटस, हिमालयन गिल्फन की आयुष्यान स्टेटस क्या है? नियर थ्रेटेंड, कोलाप्स्ड, आयुष्यान कंसर्न, वल्नरेबल। ये चारों ऑप्शन है, इसका सही जवाब क्या है आप लोग सोचिए। इसका सही जवाब है नियर थ्रेटेंड। ठीक है, अनोइंग फेस्टिवल इज फेस्टिवल ऑफ व्हिच स्टेट, अनोइंग जो एक फेस्टिवल है वो कौन सी स्टेट में माना जाता है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले देख लेते हैं क्या क्या है। ओडिशा, बिहार, अरुणाचल प्रदेश या तमिलनाडु। इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, देन हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। आदि कम्युनिटी आर फाउंड इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया, आदि जो कम्युनिटी है वो कौन से स्टेट में पाया जाता है इंडिया में? नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले देख लेते हैं क्या क्या है। ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु। इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी नोडल मिनिस्ट्री इज, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी का नोडल मिनिस्ट्री कौन सा है? ठीक है, नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले देख लेते हैं क्या क्या है। एमएनआरई, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसका सही जवाब है एमएनआरई। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? एमएनआरई। एमएनआरई का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, चलिए हम फिर नेक्स्ट पेज में चलते हैं। द चीप फोर एलायंस रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। चीप फोर एलायंस जो है वो किसके लिए बनाया गया है? ठीक है, नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले देख लेते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, वैक्सीन डेवलपमेंट, सेमीकंडक्टर या जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, आपका सही जवाब है सेमीकंडक्टर। क्या? सेमीकंडक्टर। When did Zero Discrimination Day start? Zero Discrimination Day कब शुरू हुआ था? नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले देख लेते हैं क्या क्या है। 1 मार्च 2014, 1 मार्च 2016, 1 मार्च 2017, 1 मार्च 2018। ठीक है, इसका सही जवाब है 1 मार्च 2014। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? 1 मार्च 2014। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। Where has the 47th Civil Accounts Day celebrated on 1st March 2023? कहां पर 47th Civil Accounts Day celebrate किया जाता है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले वो हम देख लेते हैं क्या क्या है। न्यू दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, ओडिशा। इसका सही जवाब है न्यू दिल्ली। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? न्यू दिल्ली। In which date every year World Wildlife Day celebrated? कौन सी दिन में World Wildlife Day celebrate किया जाता है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले हम देख लेते हैं क्या क्या है। 5th मार्च, 2nd मार्च, 3rd मार्च या 1st मार्च। इसका सही जवाब है 3rd मार्च। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? 3rd मार्च। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इन व्हिच डेट वर्ल्ड हियरिंग डे सेलिब्रेटेड, वर्ल्ड हियरिंग डेट डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? ठीक है, नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले हम वो देख लेते हैं क्या क्या है। 5th मार्च, 2nd मार्च, 3rd मार्च या 1st मार्च। इसका सही जवाब है 3rd मार्च। ठीक है, इसका सही जवाब है 3rd मार्च। इन व्हिच डेट वी सेलिब्रेट सी ग्रास डे 2023, हम कौन सी डेट में सी ग्रास डे सेलिब्रेट करते हैं? नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले वो देख लेते हैं क्या क्या है। 1st फरवरी, 1st मार्च, 1st जनवरी या 1st अगस्त। इसका सही जवाब है 1st मार्च। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? 1st मार्च। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हु इज सक्सेसफुली कंडक्ट द हीट टेस्ट ऑफ CE20 क्रायोजेनिक इंजन, किसने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है CE20 क्रायोजेनिक इंजन टेस्ट? ठीक है, नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले देख लेते हैं क्या क्या है। इसरो, नासा, रोस्कोसमोस या सुपरको। आपका सही जवाब है इसरो। ये जो क्रायोजेनिक इंजन है इसमें कौन से फ्यूल यूज किया जाता है आपको पता है? इसमें लिक्विड हाइड्रोजन यूज किया जाता है। नेक्स्ट, बाय होम हैज I2U2 सब मिनिस्ट्रियल मीटिंग हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड, किन किन के बीच में I2U2 सब मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया है? इसका सही जवाब है UAE। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? UAE। अब हम देख लेते हैं I2U2 में कौन से देश है। इसराइल, इंडिया, UAE एंड अमेरिका। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। Which city will host G20 summit in 2023? कौन सी शहर G20 summit को host कर रहा है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले हम वो देख लेते हैं क्या क्या है। न्यू दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, ओडिशा। इसका सही जवाब है न्यू दिल्ली। ठीक है, GST divided in how many part? GST को हम कितने पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं?
नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले देख लेते हैं, 2, 4, 6 या 3। इसका सही जवाब है 3। ठीक है, आइए थोड़ा हम जीएसटी के बारे में जान लेते हैं। जीएसटी को जो हम 3 भाग में विभक्त किए हैं वो है सी जीएसटी, एस जीएसटी एंड आई जीएसटी। सी जीएसटी को केंद्र सरकार रिसीव करते हैं, जी जीएसटी और सी जीएसटी को स्टेट गवर्नमेंट रिसीव करते हैं, आई जीएसटी को सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव करते हैं। ठीक है, व्हिच डे इज नो स्मोकिंग डे, कौन से दिन को हम नो स्मोकिंग डे पालते हैं। नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। सेकंड वेडनेसडे ऑफ मार्च, फर्स्ट वेडनेसडे ऑफ मार्च, या फर्स्ट मंडे ऑफ मार्च, या सेकंड मंडे ऑफ मार्च। चलिए सोचिए इसका सही आंसर क्या है। आपका सही जवाब है सेकंड वेडनेसडे ऑफ मार्च। आपका सही जवाब क्या है? सेकंड वेडनेसडे ऑफ मार्च। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली सतीश कौशिक पास हुए, ही वॉज बिलोंग टू व्हिच फील्ड। हाल ही में सतीश कौशिक चले गए हैं, वो कौन से फील्ड में थे। नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग या राइटिंग। आपका सही जवाब है एक्टिंग। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? एक्टिंग। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बंधन बैंक ओपन मेगा करेंसी चेस्ट इन व्हिच सिटी। बंधन बैंक ने कहां पर मेगा करेंसी चेस्ट ओपन किया हुआ है। नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। राजस्थान, ओडिशा, पुणे या वेस्ट बंगाल। आपका सही जवाब वेस्ट बंगाल है। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के कलकत्ता में ये ओपन किया गया है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेटीएम साइंड एग्रीमेंट विद व्हिच स्टेट गवर्नमेंट टू ड्राइव इनिशिएटिव इन फाइनेंशियल इंक्लूजन, पब्लिक हेल्थ एंड साइबर सिक्योरिटी। पेटीएम हाल ही में कौन से राज्य के साथ साइबर सिक्योरिटी को लेकर समझौता किया हुआ है। नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय या आंध्र प्रदेश। आपका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? आंध्र प्रदेश। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक है, ये डिक्योरिटी नहीं सिक्योरिटी होगा। ठीक है, ये क्या होगा? सिक्योरिटी। द एंसेंट सिटी ऑफ शिशुपालगढ़ इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। शिशुपालगढ़ कौन से राज्य में अवस्थित है। नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। आसाम, बिहार, ओडिशा या राजस्थान। आपका सही जवाब है ओडिशा। ठीक है, सही जवाब क्या है? ओडिशा। वेयर वॉज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड मार्केटिंग ऑफ कोकोनट प्रोडक्ट हेल्ड। कहां पर कोकोनट प्रोडक्ट को लेकर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था। नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। मुंबई, हैदराबाद, न्यू दिल्ली या देहरादून। आपका सही जवाब है हैदराबाद। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? हैदराबाद। इसका थीम है ग्लोबल कोकोनट इंडस्ट्री क्रूजिंग टू द पेनिकल। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, ग्लोबल कोकोनट इंडस्ट्री क्रूजिंग टू द पेनिकल। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हेकानी जाकलू बिकम द फर्स्ट ओमेन लेजिस्लेटर ऑफ व्हिच स्टेट। हेकानी जाकलू कौन से राज्य का ओमेन लेजिस्लेटर बने हुए हैं। नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। सिक्किम, नागालैंड, ओडिशा या केरला। आपका सही जवाब है नागालैंड। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? नागालैंड। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिकम द वर्ल्ड सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड। सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड कौन है। नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। रिलायंस जियो, स्विचकॉम, बोथ ऑफ देम या नॉन ऑफ दिज। आपका सही जवाब है रिलायंस जियो। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? रिलायंस जियो। रिसेंटली इन व्हिच कंट्री ए न्यू स्पेसिस ऑफ लिजर्ड नेम्ड फ्यूलरस फिब्रियाटस वाज डिस्कवर्ड। कौन से देश में लिजर्ड का नया प्रजाति पाया गया है। नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा। आपका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? ऑस्ट्रेलिया। राइट साइड में इसका इमेज दिया गया है, देख लीजिए। ठीक है, ये लिजर्ड 15 सेंटीमीटर लंबा है एंड ये क्वींसलैंड द्वीप में पाया गया है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु ऑन द सीबीआईपी अवार्ड 2022 फॉर बेस्ट कंट्रीब्यूशन इन सोलर एनर्जी रिसेंटली। नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। SAIL, GAIL, BHEL या NTPC। आपका सही जवाब है BHEL। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? BHEL। सीबीआईपी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर। चलिए अभी हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड रिसेंटली हाउ मच द पर कैपिटा इनकम इंक्रीज्ड इन द ईयर 2022 टू 2023 एज कम्पेयर टू द ईयर 2014 टू 2015। हमारे पर कैपिटा इनकम कितना इंक्रीज हुआ है 2022-23 में। ठीक है, देख लेते हैं अभी ऑप्शन हम 2 या 4 या 5 या 6। आपका सही जवाब है 2। ठीक है, आपका सही जवाब है 2। ठीक है, अब हम थोड़ा पर कैपिटा इनकम के बारे में जान लेते हैं। ए मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी अर्न पर पर्सन इन ए नेशन और जियोग्राफिकल रीजन इन ए गिवन एरिया सॉरी ईयर। चलिए हम दोबारा सुन लेते हैं। ए मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी अर्न पर पर्सन इन ए नेशन और जियोग्राफिक रीजन इन ए गिवन ईयर। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु ऑन द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड रिसेंटली। नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। शिप्रा दास, शिव नादर, डॉक्टर मनमोहन सिंह या इनमें से कोई भी नहीं है। आपका सही जवाब है शिप्रा दास। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? शिप्रा दास। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। वेयर विल पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन सेशन। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी कहां पर आपदा जोखिम रिडक्शन का उद्घाटन किया। नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। गोवा, ओडिशा, न्यू दिल्ली या बिहार। आपका सही जवाब है न्यू दिल्ली। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? न्यू दिल्ली। इसका थीम है बिल्डिंग लोकल रेजिस्टेंस इन द फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये तीसरा एडिशन है, इसका अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हु हैज बिकम द फर्स्ट वोमेन IAF ऑफिसर टू गेट द कमांडर अपॉइंटमेंट। हाल ही में कमांडर नियुक्ति पाने वाली पहला IAF अधिकारी कौन है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। विजय लक्ष्मी रमन, अभिलाष बारक, शैलजा धामी या अभिनी चतुर्वेदी। आपका सही जवाब है शैलजा धामी। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? शैलजा धामी। बोकिंग बेलिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैपेंस ऑन व्हिच रिवर? बोकिंग बेलिंग जो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कौन से नदी के ऊपर बनाया जा रहा है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले हम देख लेते हैं गंगा रिवर, इंडस रिवर, जमुना रिवर या धौली गंगा रिवर। इसका सही जवाब है आपका धौली गंगा रिवर। ठीक है, राइट साइड में देखिए एक इमेज है। ठीक है, द लेंथ ऑफ धौली गंगा, धौली गंगा का लेंथ कितना है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले हम देख लेते हैं 95 किलोमीटर, 94 किलोमीटर, 96 किलोमीटर या 98 किलोमीटर। इसका सही जवाब है 94 किलोमीटर। ठीक है, इसका सही जवाब है 94 किलोमीटर। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तपोवन व्हिच इज फेमस फॉर इट्स हॉट स्प्रिंग इज लोकेटेड ऑन? तपोवन जो एक फेमस हॉट स्प्रिंग है वो कहां पर लोकेटेड है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले हम देख लेते हैं बैंक ऑफ गंगा, बैंक ऑफ धौली गंगा, बैंक ऑफ पिंडर गंगा, बैंक ऑफ अलकनंदा। इसका सही जवाब है बैंक ऑफ धौली गंगा। ठीक है, राइट साइड में देखिए एक इमेज दिया हुआ है। धौली गंगा मीट्स द अलकनंदा रिवर एट व्हिच प्लेस? धौली गंगा कहां पर आकर मिली हुई है अलकनंदा के साथ? ठीक है, राइट साइड में एक इमेज है वो आप देख सकते हैं। पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग या रुद्रप्रयाग। इसका सही जवाब है विष्णुप्रयाग। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। मंदाकिनी मीट्स द अलकनंदा रिवर एट व्हिच प्लेस? मंदाकिनी जो एक रिवर है वो अलकनंदा में आकर कहां पर मिली हुई है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले देख लेते हैं विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग या रुद्रप्रयाग। इसका सही जवाब है रुद्रप्रयाग। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? रुद्रप्रयाग। पिंडर गंगा मीट्स द अलकनंदा रिवर एट व्हिच प्लेस? नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले देख लेते हैं विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग या रुद्रप्रयाग। ठीक है, इसका सही जवाब है कर्णप्रयाग। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नंदाकिनी मीट्स द अलकनंदा रिवर एट व्हिच प्लेस? नंदाकिनी अलकनंदा में कहां आकर मिली हुई है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले देख लेते हैं विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग या रुद्रप्रयाग। इसका सही जवाब है नंदप्रयाग। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? नंदप्रयाग। द ओरिजिन ऑफ धौली गंगा, धौली गंगा का ओरिजिन कहां है? साइड में एक इमेज दिया गया है उसको आप देख सकते हैं। अब हम ऑप्शन पे चलते हैं, क्या क्या है? नीति वैली, नुब्रा वैली, साइलेंट वैली या कांगड़ा वैली। इसका सही जवाब है नीति वैली। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। द अलेक्जेंडर पैराक्राइट्स फाउंड इन व्हिच एरिया? अलेक्जेंडर पैराक्राइट्स कौन से एरिया में पाया जाता है? साउथ एशिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका। इसका सही जवाब है साउथ एशिया। ठीक है, इसका सही जवाब है साउथ एशिया। IUCN स्टेटस फॉर द अलेक्जेंडर पैराक्राइट्स? IUCN स्टेटस क्या है अलेक्जेंडरिन पैराक्राइट्स के लिए? पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, लिस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड। इसका सही जवाब है नियर थ्रेटेंड। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? नियर थ्रेटेंड। चलिए हम फिर नेक्स्ट पेज में चलते हैं। द वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इज डिवाइडेड इन हाउ मेनी शेड्यूल? नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले हम देख लेते हैं 1, 5, 3, 6। इसका सही जवाब क्या है आप सोचिए पहले। इसका सही जवाब है 6। ठीक है, दिस ईयर मलबार एक्साइज होस्ट बाय? इस साल मलबार एक्साइज किसने होस्ट किया हुआ है? इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, देन गो टू द नेक्स्ट पेज। व्हिच कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन मलबार एक्साइज? मलबार एक्साइज में कौन से देश भाग लिए हुए हैं? इंडिया, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान, चाइना, तुर्की, भूटान या रूसिया, चाइना या पाकिस्तान, तुर्की। इसका सही जवाब है इंडिया, जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जीत क्रॉप्स आर ग्रोन इन व्हिच मंथ? जीत जो क्रॉप है वो किस महीने में ग्रो होता है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले हम देख लेते हैं मार्च टू जुलाई, नवंबर टू जनवरी, फरवरी टू अप्रैल और दिसंबर टू फरवरी। इसका सही जवाब है आपका मार्च टू जुलाई। ठीक है, इन व्हिच हिंदू मंथ होलिका दहन इज सेलिब्रेटेड? कौन से हिंदू मंथ में होलिका दहन सेलिब्रेट किया जाता है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं वो क्या क्या है। फाल्गुना, माघा, बैसाखा या पूसा। आपका सही जवाब फाल्गुना है। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? फाल्गुना। होली को हम फेस्टिवल ऑफ कलर के नाम पे भी जानते हैं। ठीक है, होलिका दहन को साउथ इंडिया में कामो दहन बोलते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली सत्यव्रत मुखर्जी पास्ड अवे, ही वॉज रिलेटेड टू व्हिच फील्ड? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। स्पोर्ट, म्यूजिक, पॉलिटी या इनमें से कोई भी नहीं है। आपका सही जवाब पॉलिटी है। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? पॉलिटी। सत्यव्रत मुखर्जी वेस्ट बंगाल के यूनियन मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट थे। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द लाडली बहन स्कीम? लाडली बहन स्कीम को कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। ओडिशा, कर्नाटक, बिहार या मध्य प्रदेश। थोड़ा सोचिए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही जवाब मध्य प्रदेश है। क्या? मध्य प्रदेश है। महिला को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए यह स्कीम लॉन्च किया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान,
चलिए हम पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया एंड व्हिच कंट्री विल ऑर्गेनाइज एक्सरसाइज फिनजेक्स 2023। इंडिया और कौन सी देश मिलकर फिनजेक्स 2023 ऑर्गेनाइज किए हुए हैं? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। फ्रांस, जापान, अमेरिका या नेपाल। आपका सही जवाब फ्रांस है। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? फ्रांस। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। व्हिच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू सेट अप इट्स फर्स्ट मदर मिल्क बैंक। कौन सी स्टेट मदर मिल्क बैंक के लिए अनाउंस किए हुए हैं? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। ओडिशा, बिहार, राजस्थान या उत्तराखंड। आपका सही जवाब उत्तराखंड है। क्या? उत्तराखंड है। व्हेयर हैज द 1300 ईयर ओल्ड बुद्धिस्ट स्तूपा बीन डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 1300 साल पुराना बुद्ध स्तूपा कहां पर मिला हुआ है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। ओडिशा, बिहार, राजस्थान या उत्तराखंड। आपका सही जवाब उत्तराखंड है। आपका सही जवाब क्या है? उत्तराखंड। व्हिच इंडियन एक्ट्रेस हैज बीन इनवाइटेड टू प्रेजेंट द अवार्ड ऑफ द ऑस्कर सेरेमनी 2023। नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। ऐश्वर्या राय बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ या दीपिका पादुकोण। आपका सही जवाब है दीपिका पादुकोण। ठीक है। हु ओन द 2023 पेन नाबुक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। हरि बालकृष्णन, अप्पा साहेब, विनोद कुमार शुक्ला या इनमें से कोई भी नहीं है। आपका सही जवाब है विनोद कुमार शुक्ला। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? विनोद कुमार शुक्ला। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हु हैज ओन द 76th संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी किसने जीता है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। ओडिशा, बिहार, कर्नाटका या राजस्थान। आपका सही जवाब कर्नाटका है। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? कर्नाटका। हु हैज बिकम द न्यू कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स ऑफ इंडिया। नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। एसएस दुबे, एस जयशंकर या बीवीआर सुब्रमण्यम या भारती दास। ठीक है, इसका सही जवाब एसएस दुबे है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? एसएस दुबे। विंडसर फ्रेमवर्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। रूसिया यूक्रेन वॉर, ब्रेक्सिट, इंडियन यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, UNFCCC। आपका सही जवाब है ब्रेक्सिट। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? ब्रेक्सिट। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन। इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहां पर है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। द ह्यूज नेदरलैंड्स या जेनिवा स्विट्जरलैंड या लंदन यूनाइटेड किंगडम या इनमें से कोई भी नहीं है। इसका सही जवाब है द ह्यूज नेदरलैंड। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? द ह्यूज नेदरलैंड। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। Recently, Great Indian Bustard in news. What is the IUCN status of it? Great Indian Bustard का IUCN status क्या है? थोड़ा background information देख लेते हैं। IUCN का full form है International Union for Conservation of Nature. इसको formation किया गया था 1964 में और इसका headquarter है United Kingdom. ठीक है, अब हम नीचे दिया गया option देख लेते हैं क्या क्या है। Endangered, critically endangered या vulnerable या इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, आपका सही जवाब है critically endangered. ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? critically endangered. चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली सारा टाइगर रिजर्व, सॉरी सरिस्का टाइगर रिजर्व इन न्यूज, व्हेयर इट इज लोकेटेड। नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। राजस्थान, ओडिशा, बिहार और असम। आपका सही जवाब है राजस्थान। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? राजस्थान। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। व्हिच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च ग्रीवियंस एपलेट कमिटी। कौन सी मिनिस्ट्री ग्रीवियंस एपलेट कमिटी को लॉन्च किया है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। आपका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन। आपका सही जवाब क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज बिकम द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया। हमारे न्यू CGI कौन है? आपका सही जवाब है SS दुबे। ठीक है, आपका सही जवाब है क्या है? SS दुबे। फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ MSME व्हिच गवर्नमेंट पोर्टल इज सिलेक्टेड। एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से गवर्नमेंट पोर्टल यूज किया जाता है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले देख लेते हैं क्या क्या है। उद्यम पोर्टल, एनसीएस पोर्टल, मेरी पहचान पोर्टल और OSSSC। इसमें से सही आंसर कौन सा है देख लेते हैं। इसका सही आंसर है उद्यम पोर्टल। इसका सही आंसर क्या है? उद्यम पोर्टल। फिर हम एमएसएमई के बारे में थोड़े जान लेते हैं। एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। देन राजगढ़ फोर्ट इज ऑल्सो नॉन एज। राजगढ़ फोर्ट को और क्या बोला जाता है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले देख लेते हैं। रूलिंग फोर्ट, रेड फोर्ट, रूलर फोर्ट या आमिर फोर्ट। इसका सही आंसर होगा रूलिंग फोर्ट। इसका सही आंसर क्या है? रूलिंग फोर्ट। ठीक है, साइड में देखिए इसका एक इमेज दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। देन कम टू द नेक्स्ट पेज। लोकेशन ऑफ राजगढ़ फोर्ट इज। राजगढ़ फोर्ट का लोकेशन क्या है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले देख लेते हैं। ओडिशा, महाराष्ट्र, बिहार और मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। इसका सही जवाब क्या है आपका? महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। ठीक है,
फिर आते हैं राजगढ़ फोर्ट इज सिचुएटेड ऑन व्हिच माउंटेन रेंज। राजगढ़ फोर्ट जो है वो कौन सी माउंटेन रेंज में अवस्थित है? पहले ऑप्शन देख लेते हैं, सहाद्री रेंज, हिमालय रेंज, अरावली रेंज और सतपुरा रेंज। इसका सही जवाब है सहाद्री रेंज। इसका सही जवाब क्या है? सहाद्री रेंज। फिर नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हु इज कॉल्ड एज ग्रीन गोल्ड ऑफ ओडिशा? ओडिशा में ग्रीन गोल्ड किसे बोला जाता है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले देख लेते हैं, साल लीफ, बाम्बो लीफ, केंदु लीफ और मैंगो लीफ। इसका सही जवाब है आपका केंदु लीफ। इसका सही जवाब क्या है? केंदु लीफ। व्हिच स्टेट इज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ केंदु लीफ? केंदु लीफ के थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर राज्य कौन सा है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले देख लेते हैं, झारखंड, बिहार, ओडिशा और गुजरात। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ओडिशा। इसका सही जवाब क्या है? ओडिशा। फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज में। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एडीटी 52 दैट वाज इन द न्यूज रिसेंटली? जो रिसेंटली न्यूज में है एडीटी 52, वो क्या है वो जानते हैं। पहले ऑप्शन क्या क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। वो एक एस्टर्ड है या फिर हाई यील्ड फैटी वैरायटी है और फिर एविएशन फ्यूल है और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, ये क्या है? पहले आप लोग सोचिए, फिर मैं बताता हूं। इसका सही आंसर है ये एक हाई यील्ड फैटी वैरायटी है। साइड में इमेज दिया गया है, यही है एडिट 52। नेक्स्ट, हु इज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ सीसीआई? सीसीआई का नोडल मिनिस्ट्री कौन है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले देख लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट ऑफिसर, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सीबीईसी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इसमें से सही आंसर कौन सा है आप सोचिए, सोचिए। इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसका सही आंसर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, अब हम जान लेते हैं सीसीआई का फुल फॉर्म क्या है। सीसीआई का फुल फॉर्म है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट पेज में जाते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व व्हिच वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो जो रिसेंटली देखा गया है वो कौन से राज्य में है? ठीक है, नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले देख लेते हैं, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और बिहार। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बिहार। इसका करेक्ट आंसर क्या है? बिहार। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है बिहार। एक मिनट रुकिए। इसका सही आंसर है बिहार। ठीक है, इसका सही आंसर है बिहार। फिर देख लेते हैं एक्साइज दोस्तलीग इज ए जॉइंट मिलिट्री एक्साइज बिटवीन व्हिच कंट्री? एक्साइज दोस्तलीग एक जो जॉइंट मिलिट्री एक्साइज है वो किसके और किसके बीच में हो रहा है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले देख लेते हैं, इंडिया एंड जापान, इंडिया एंड रूसिया, इंडिया एंड उज्बेकिस्तान और इंडिया एंड इंडोनेशिया। ये किसके किस में बीच में हो रहा है? इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में हो रहा है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पेज में आते हैं। व्हाट इज प्रकार सोलर प्रोप? सोलर प्रोप जो प्रकार सोलर प्रोप क्या है? वो एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है या फिर सोलर मिशन है या मून मिशन है या रॉकेट लॉन्चिंग पैड है, सॉरी रॉकेट लॉन्चिंग पैड है। ठीक है, इसका सही जवाब है सोलर मिशन। इसका सही जवाब क्या है आपका? सोलर मिशन। ठीक है, ये वाला प्रकार सोलर प्रोप लॉन्च बाय? प्रकार सोलर प्रोप को किसने लॉन्च किया है? प्रकार सोलर प्रोप को किसने लॉन्च किया है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले देख लेते हैं, इसरो, नासा, रोस्कोस्मोस और सुपरकॉम। इसका सही जवाब है आपका नासा। ठीक है, इसका सही जवाब आपका क्या है? नासा। देन कम टू द नेक्स्ट पेज। प्रकार सोलर प्रोब लॉन्च्ड इन व्हिच ईयर? प्रकार सोलर प्रोब जो है वो जो मिशन है उसको कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था? नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले देख लेते हैं, 2014, 2018, 2016 या 2015। इसका सही जवाब है 2018। इसका सही जवाब क्या है? 2018। इसका सही जवाब है 2018। इसका सही जवाब है 2018। इसका सही जवाब है 2018। हरिके वेटलैंड इज सिचुएटेड इन व्हिच प्लेस? हरिके जो वेटलैंड है वो कौन से प्लेस में अवस्थित है? पंजाब, ओडिशा, बिहार और तमिलनाडु। इसका सही आंसर क्या है आप सोचिए। इसका सही आंसर है ओडिशा। इसका हरिके वेटलैंड जो है, हरिके वेटलैंड जो है वो पंजाब में अवस्थित है। When every year International Women's Day celebrated? कब इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं पहले क्या क्या है। 8 मार्च, 1 मार्च, 4 मार्च या 15 मार्च? आपका सही जवाब है 8 मार्च। कितना? 8 मार्च। चलिए अभी हम ऑप्शन को थोड़ा देख लेते हैं। 1 मार्च को हम जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे सेलिब्रेट करते हैं।
4 मार्च को हम नेशनल सेफ्टी डे मानते हैं, 15 मार्च को हम वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मानते हैं। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। ऑन व्हिच एयरक्राफ्ट कैरियर वॉज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023 हेल्ड? नौसेना का सम्मेलन 2023 का पहला संस्करण किस विमान पर आयोजित किया हुआ था? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। INS विक्रांत या INS विक्रमादित्य या INS विराट या INS विशाल? आपका सही जवाब है INS विक्रांत। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? INS विक्रांत। चलिए हम फिर नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड नॉन क्वालिफिकेशन अवेयरनेस 2023 सेलिब्रेटेड। निरस्त्रीकरण दिवस कब मनाया जाता है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं पहले क्या क्या है। 8th मार्च, 1st मार्च, 5th मार्च या 15th मार्च? आपका सही जवाब है 5th मार्च। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? 5th मार्च। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर इज एक्सरसाइज कटलस एक्सप्रेस 2023 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? कहां पर एक्सरसाइज कटलस आयोजित किया गया है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। बे ऑफ बंगाल, जिबूती, जोधपुर या उत्तराखंड? आपका सही जवाब जिबूती है। आपका सही जवाब क्या है? जिबूती। जिबूती का कैपिटल जिबूती है, इसका करेंसी फ्रांक है। सामुद्रिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हम कटलस एक्सरसाइज करते हैं। ये एक्सरसाइज 26 फरवरी को शुरू हुआ था और खत्म 16 मार्च को होगा। ठीक है, चलिए अभी हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। आईफोन मेकर फॉक्सकॉन विल इन्वेस्ट 1 बिलियन इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया? आईफोन निर्माता कंपनी फॉक्सकॉन इंडिया में कहां पर $1 बिलियन इन्वेस्ट की हुई है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका या उत्तराखंड? आपका सही जवाब कर्नाटका है। आपका सही जवाब क्या है? कर्नाटका। चलिए अभी हम कर्नाटक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसका कैपिटल बेंगलुरु है। रिसेंटली द थर्ड मुस्लिम CJI पास्ड अवे, व्हाट इज हिज नेम? रिसेंटली मुस्लिम CJI चले गए हैं, उनका नाम क्या था? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। AM हमीद, DY चंद्रचूड़ या M हिदायतुल्ला या M हमीदुल्ला? आपका सही जवाब है AM हमीद। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? AM हमीद। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। Which bank has completed the acquisition of City Group's India consumer business? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक या यस बैंक? यहाँ पर apostrophe s मिसिंग है। आपका सही जवाब एक्सिस बैंक है। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? एक्सिस बैंक। रिसेंटली RBI हैज इम्पोज्ड रूस 3.06 करोड़ पेनल्टी क्विज ई कॉमर्स कंपनी? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। अमेजन पे, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या स्नैपडील? आपका सही जवाब है अमेजन पे। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? अमेजन पे। चलिए फिर हम दूसरे पेज में चलते हैं। Who has been appointed as new chief coach of India men's hockey team? Indian team का hockey coach कौन है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। हरिंदर सिंह, क्रेग फुल्टन या राजकुमार पाल या हार्दिक सिंह? आपका सही जवाब है क्रेग फुल्टन। ठीक है, सही जवाब क्या है? क्रेग फुल्टन। देन हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which ministry has decided to ban sale of gold jewelry hallmark without 6-digit code? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स या इनमें से कोई भी नहीं है? आपका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? कंज्यूमर अफेयर्स। Who has been appointed the brand ambassador of कुरकुरे? कुरकुरे का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले वो हम देख लेते हैं क्या क्या है। शाहरुख खान, क्रिकेटर सौरव गांगुली, अजय देवगन या सारा अली खान? आपका सही जवाब है सारा अली खान। अब हम थोड़ा ऑप्शन का डिटेल्स देख लेते हैं। शाहरुख खान A23 गेम का ब्रांड एम्बेसडर है, क्रिकेटर सौरव गांगुली बंधन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर है, अजय देवगन गो गैस का ब्रांड एम्बेसडर है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who has been appointed the brand ambassador of PepsiCo? PepsiCo का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले वो हम देख लेते हैं क्या क्या है। रणबीर सिंह, क्रिकेटर विराट कोहली, जैनवी कपूर और इनमें से कोई भी नहीं है? आपका सही जवाब है रणबीर सिंह। ठीक है, अब हम थोड़ा ऑप्शन का डिटेल्स देख लेते हैं। विराट कोहली नॉइस का ब्रांड एम्बेसडर है एंड जानवी कपूर सोपोला 55 का ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली इन व्हिच स्टेट 3 डिस्ट्रिक्ट हैज फाउंड गोल्ड इन इंडिया? भारत में कौन से स्टेट में गोल्ड मिली हुई है? नीचे हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ओडिशा, कर्नाटका, बिहार या इनमें से कोई भी नहीं है? इसका सही आंसर है ओडिशा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? ओडिशा। आइए थोड़ा हम गोल्ड का बैकग्राउंड डाटा देख लेते हैं क्या है। दुनिया का लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर कंट्री चाइना है। इंडिया में लार्जेस्ट गोल्ड माइन हुटी में है। इंडिया का फर्स्ट गोल्ड माइन कोलार गोल्ड माइन है। अभी ओडिशा के देवगढ़, मयूरभंज एंड केंदुझर में सोना मिला हुआ है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल इनॉग्रेट द 7th इंटरनेशनल धर्म कॉन्फ्रेंस इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? द्रौपदी मुर्मू धर्म कॉन्फ्रेंस को कहां पर इनॉग्रेट किए हुए हैं? नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले वो हम देख लेते हैं क्या क्या है। लखनऊ या भोपाल या धर्मशाला या बनारसी? आप थोड़ा सोचिए। इसका सही जवाब भोपाल है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? भोपाल। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं।
Where is the fourth edition of GOB Games begin? प्रश्न दोबारा हम सुन लेते हैं. Where is the fourth edition of GOB Games being hosted? कहां पर GOB गेम होस्टेड किया गया है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले वो हम देख लेते हैं क्या क्या है. टोक्यो, मॉस्को, दुबई, न्यू दिल्ली. थोड़ा आप सोचिए इसका सही आंसर क्या है. आपका सही जवाब दुबई है. ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? दुबई. टोक्यो जापान का राजधानी है, मॉस्को रूसिया का राजधानी है, दुबई यूएई का राजधानी है. ठीक है, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हु हैज ऑनर्ड विद द प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द एशियन चेस फेडरेशन. नीचे ऑप्शन दिया गया है, चलो हम देख लेते हैं क्या क्या है. शिव श्रीधर या डी गुकेश या सुकांत कदम या इनमें से कोई भी नहीं है. आप थोड़ा सोचिए. आपका सही जवाब डी गुकेश है. ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? डी गुकेश. चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. हु हैज बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द पावर रेगुलेटरी सेंटर इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन. सीईआरसी का न्यू अध्यक्ष कौन है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले वो हम देख लेते हैं क्या क्या है. जिष्णु बरुआ, राजेश मल्होत्रा या शैलेश पाठर या एसपी सेन वर्मा. आपका सही जवाब है जिष्णु बरुआ. ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? जिष्णु बरुआ. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब T0201 रिसेंटली सीन इन द न्यूज. TO201 क्या है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले वो हम देख लेते हैं क्या क्या है. इट इज ए एस्ट्रॉइड, इट इज ए ब्लैक होल, इट इज ए जेलीफिश गैलेक्सी या इट इज ए मिसाइल. आपका सही जवाब है इट इज ए जेलीफिश गैलेक्सी. ठीक है, ये एक जेलीफिश गैलेक्सी है. चलिए हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं. व्हिच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स हिंदुस्तान 228201LW. हिंदुस्तान 228201LW का बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले वो हम देख लेते हैं क्या क्या है. पैसेंजर एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट या असॉल्ट राइफल या इसमें से कोई भी नहीं है. आपका सही जवाब है पैसेंजर एयरक्राफ्ट. ठीक है, क्या? पैसेंजर एयरक्राफ्ट. हायाबुसा 2 इज ए एस्ट्रॉइड सैंपल रिटर्न मिशन ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसीज. हायाबुसा 2 को कौन सी स्पेस एजेंसी ने किया था? नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले वो हम देख लेते हैं क्या क्या है. CNSA, नासा, जाक्सा या इसरो. आपका सही जवाब जाक्सा है. ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? जाक्सा. जाक्सा जो है वो जापान का स्पेस एजेंसी है, नासा अमेरिका का स्पेस एजेंसी है, CNSA चाइना का स्पेस एजेंसी है, इसरो हमारे महान भारत का स्पेस एजेंसी है. चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं. हु विन द वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 टाइटल. वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले वो हम देख लेते हैं क्या क्या है. इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या इसमें से कोई भी नहीं है. आपका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? ऑस्ट्रेलिया. द न्यू स्टार्ट ट्रीटी व्हिच वाज इन द न्यूज इज ए ट्रीटी बिटवीन व्हिच टू कंट्री. न्यू स्टार्ट जो एक ट्रीटी है वो कौन सी देश के बीच में हुआ है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले वो हम देख लेते हैं क्या क्या है. अमेरिका रूसिया, रूसिया जापान, इंडिया जापान या इंडिया पाकिस्तान. थोड़ा सोचिए इसका सही आंसर क्या है. इसका सही जवाब है अमेरिका रूसिया. ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? अमेरिका रूसिया. ये ट्रीटी 8 अप्रैल 2010 को साइन किया गया था. ये एक न्यूक्लियर आर्म रिड्यूस ट्रीटी है. ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं. वेयर विल एक्साइज कोबरा वॉरियर बी हेल्ड. कहां पर कोबरा वॉरियर एक्साइज हो रही है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले वो हम देख लेते हैं क्या क्या है. ब्रिटेन या अमेरिका या रूसिया या जापान. इसका सही जवाब ब्रिटेन है. ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? ब्रिटेन. अब थोड़ा हम कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज का बैकग्राउंड जान लेते हैं. ये एक्सरसाइज एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है. इस एक्सरसाइज में फिनलैंड, स्वीडन, साउथ अमेरिका, सिंगापुर भाग लेते हैं. चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. टिनबू वाज इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री. टिनबू कौन से देश का प्रेसिडेंट है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले वो हम देख लेते हैं क्या क्या है. नाइजीरिया, अमेरिका, जापान या भूटान. इसका सही जवाब नाइजीरिया है. इसका सही जवाब क्या है? नाइजीरिया है. व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 4th मार्च. 4th मार्च को हम कौन सी डे मानते हैं? नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले वो हम देख लेते हैं. वर्ल्ड वाटर डे, नेशनल चीप एंड डिस्प्ले, नेशनल वैक्सीनेशन डे या नेशनल सेफ्टी डे. आपका सही आंसर है नेशनल सेफ्टी डे. ठीक है, 22 को हम वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं, 23 को हम नेशनल चीप एंड डिस्प्ले डे सेलिब्रेट करते हैं, मार्च 16 को हम नेशनल वैक्सीनेशन डे सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है. Where was the Asia's longest cycle race of 3,651 km started recently? नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले वो हम देख लेते हैं. जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा या बिहार. आपका सही जवाब है जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? जम्मू एंड कश्मीर. इनमें एक महिला रेसर भी भाग लिए हुए हैं. देन हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं. Who was the first Chief Justice of India? इंडिया का फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले वो हम देख लेते हैं. पतंजलि शास्त्री, हरिलाल जे केनिया, एम हिदायतुल्ला, बीके मुखर्जी. आपका सही जवाब है हरिलाल जे केनिया. ठीक है, हरिलाल जे केनिया.
हाउ मेनी फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैव बीन देयर सिंस इंडिपेंडेंस, हमारे कितने फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं? नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले वो हम देख लेते हैं, 1, 2, 3 या नॉन ऑफ एबव। आपका सही आंसर है नॉन ऑफ दी एबव। भारत में आज तक कोई भी फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है। देन हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। When was the Supreme Court of India established? Supreme Court of India को कब स्थापित किया गया था? नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले वो हम देख लेते हैं क्या क्या है। 14 जन 1950, 15 जन 1950, 26 जन 1950, 16 जन 1950। आपका सही जवाब है 26 जन 1950। ठीक है। When was the Election Commission established? कब इलेक्शन कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया था? नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले वो हम देख लेते हैं, 1950 या 1951 या 1949 या 1952। आपका सही जवाब है 1950। चलिए हम पर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। Who among the following was the first Chief Election Commissioner of India? भारत के पहले कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे? नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले वो हम देख लेते हैं क्या क्या है। KBK सुंदरम, सुकुमार सेन, M पतंजलि शास्त्री, SP सेन वर्मा। आपका सही जवाब है सुकुमार सेन। ठीक है। When was SpaceX was founded? SpaceX को कब शुरू किया गया था? नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले वो हम देख लेते हैं क्या क्या है। 2000, 2001, 2002 या 2003। आपका सही जवाब है 2002। ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। व्हाट इज द बेस्ट ईयर फॉर कैलकुलेटिंग GDP? पहले हम थोड़ा GDP के बारे में जान लेते हैं। GDP का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए फिर हम ऑप्शन को देख लेते हैं क्या क्या है। 2004 to 2005 या 2010 to 2011 या 2011 to 2012 या 2014 to 2015। आपका सही जवाब है 2011 to 2012। ठीक है। हु रिलीज डाटा ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया, इंडिया में कौन नेशनल इनकम का डाटा प्रोड्यूस करता है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले वो हम देख लेते हैं क्या क्या है। NSSO, CSO, नीति आयोग या नॉन ऑफ दीज। इसका सही जवाब है CSO। ठीक है। NSSO का फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया। CSO का फुल फॉर्म है सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिसर। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हु इज द सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, कौन दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूस करता है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले वो हम देख लेते हैं क्या क्या है। इंडिया, चाइना, जापान या नॉन ऑफ दीज। आपका सही आंसर है इंडिया। ठीक है। आपका सही आंसर क्या है? इंडिया। Where did the Indian Air Force participate in the X-Sino Maitri held recently? Indian Air Force ने कहां पर X-Sino Maitri में भाग लिया था? नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले वो हम देख लेते हैं। इंडिया, जापान या अमेरिका या रूसिया। आपका सही जवाब है जापान। ठीक है। आपका सही जवाब क्या है? जापान। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। Where will the Pusa कृषि विज्ञान मेला be organized by the Indian Agricultural Research Institute? कहां पर Pusa कृषि विज्ञान मेला आयोजित किया गया था? नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले वो हम देख लेते हैं क्या क्या है। बनारसी, न्यू दिल्ली, लखनऊ या मुंबई। आपका सही जवाब है न्यू दिल्ली। ठीक है। नेक्स्ट। रिसेंटली द इंडियन आर्मी गॉट अप्रूव फ्रॉम होम टू बाय 70 ATT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट, भारत ने कहां से 70 ATT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट खरीदेगा? नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले वो हम देख लेते हैं क्या क्या है। HAL, DRDO, स्पेस एजेंसी या इसरो। आपका सही जवाब है HAL। ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पीक बॉलमोर्स आर द मोस्ट डेस्ट्रक्टिव पेट्स ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स, नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले वो हम देख लेते हैं क्या क्या है। पेडी, जूट, सुगर कैन या कटन। आपका सही जवाब है कटन। ठीक है। आपका सही जवाब क्या है? कटन। भगवान महावीर सेंचुरी इज सिचुएटेड इन व्हिच स्टेट, भगवान महावीर सेंचुरी कहां पर लोकेटेड है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले वो हम देख लेते हैं क्या क्या है। ओडिशा, गोवा, तमिलनाडु या बिहार। आपका सही जवाब है बिहार, गोवा। ठीक है। आपका सही जवाब क्या? गोवा। Where was the meeting of Quad Foreign Ministers held recently? Recently, Quad Foreign Ministry का meeting कहां पर हुआ था? नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले वो हम देख लेते हैं क्या क्या है। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया या US। आप थोड़ा सोचिए इसका सही आंसर क्या है। आपका सही आंसर है इंडिया। आपका सही आंसर क्या है? इंडिया। ठीक है। आइए थोड़ा हम इन देशों के बारे में जान लेते हैं। इंडिया का राजधानी दिल्ली है और इसका करेंसी इंडियन रूपी है। जापान की राजधानी टोक्यो है और इसका करेंसी जापानीज यान है। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबेरा है और इसका करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ठीक है। US का कैपिटल वाशिंगटन DC है और इसका करेंसी US डॉलर है। ठीक है। चलिए फिर हम क्वाड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्वाड का मेंबर 4 कंट्रीज है, वो है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और US। क्वाड देश मिलकर मालवर एक्सरसाइज करते हैं। इस साल हमारे महान देश भारत क्वाड का अध्यक्षता करेंगे।
क्वाड का फॉर्मेशन 2007 में हुआ था, ठीक है। यह था क्वाड का डिटेल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, व्हिच बैंक रिसेंटली कमिटेड 1 बिलियन टू इंडिया फॉर पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रा, ठीक है। कौन सी बैंक इंडिया को हेल्थ केयर इंफ्रा के लिए 1 बिलियन देगा, ठीक है। नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले देख लेते हैं क्या क्या है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम एडीबी नाम से ही जानते हैं। सेकंड ऑप्शन वर्ल्ड बैंक है। थर्ड ऑप्शन स्विफ्ट बैंक है। और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। आपका सही जवाब वर्ल्ड बैंक है, ठीक है। क्या वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक को 1944 में बनाया गया था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएस में है, ठीक है। आइए थोड़ा हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसको 1966 में बनाया गया था एंड इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस है, ठीक है। चलिए हम फिर नेक्स्ट पेज में चलते हैं। मऊगंज हैज बिकम द थर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ व्हिच स्टेट, मऊगंज कौन से राज्य का थर्ड डिस्ट्रिक्ट बना। नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले हम देख लेते हैं क्या क्या है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या हरियाणा। आपका सही जवाब है मध्य प्रदेश, ठीक है। आपका सही जवाब क्या है, मध्य प्रदेश। आइए थोड़ा हम मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। इनका गवर्नर मंगूभाई पटेल है। एमपी का राजधानी भोपाल है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम एट व्हिच प्लेस हैज द वुमेन्स प्रीमियर लीग स्टार्टेड। नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले देख लेते हैं क्या क्या है। नाभी मुंबई, झारखंड का रांची, कलकत्ता या दिल्ली। आपका सही आंसर है नाभी मुंबई, ठीक है। क्या है, नाभी मुंबई। वुमेन्स प्रीमियर लीग में 5 टीमें हैं, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वेयर इज द इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2023 ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2023 कहां पर ऑर्गेनाइज्ड हुआ है। नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले देख लेते हैं क्या क्या है। ओडिशा, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड। आपका सही जवाब है उत्तराखंड। सही जवाब क्या है, उत्तराखंड, ठीक है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल का डायरेक्टर जनरल कौन है। नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। रश्मि शुक्ला, अरुण कोहली, राजेश मल्होत्रा या सोनिया गोखानी। आपका सही जवाब रश्मि शुक्ला है, ठीक है। आपका सही जवाब क्या है, रश्मि शुक्ला। चलिए हम पे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ए वायरस सच एज इन्फ्लुएंजा व्हिच एमर्ज सडनली एंड स्प्रेड ग्लोबली इज कॉल्ड। नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले देख लेते हैं क्या क्या है। जूनाटिक, पेंडेमिक, एंडेमिक या एपिडेमिक। आप थोड़ा सोचिए। आपका सही जवाब पेंडेमिक है, ठीक है। आपका सही जवाब क्या है, पेंडेमिक। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट पेंडेमिक हैव अरिजन फ्रॉम इन्फ्लुएंजा वायरस फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। बैट्स, वाइल्ड बर्ड्स, ह्यूमन या पिग। आपका सही जवाब है वाइल्ड बर्ड्स, ठीक है। क्या, वाइल्ड बर्ड्स। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। रिसेंटली चैट जीपीटी इन यूज, व्हाट इज दैट। नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। वायरस या इनपुट डिवाइस या कंप्यूटर प्रोग्राम या इनमें से कोई भी नहीं है। आपका सही जवाब है कंप्यूटर प्रोग्राम। क्या, आपका सही जवाब क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम। वशिष्ठ टेम्पल ऑफ गुवाहाटी कंस्ट्रक्टेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अहोम किंग्स। वशिष्ठ टेम्पल को किसने कंस्ट्रक्ट किया था। नीचे ऑप्शन दिया गया है, पहले देख लेते हैं क्या क्या है। रुद्र सिंह, शिव सिंह, गदाधर सिंह या राजेश्वर सिंह। आपका सही जवाब है राजेश्वर सिंह, ठीक है। क्या, राजेश्वर सिंह। Which bank recently launched Her Payment Digital campaigning to make every citizen a user of digital payments? कौन सी बैंक Her Payment Digital campaigning launched की हुई है, ठीक है। नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। RBI या PNB या SBI या Axis Bank। आपका सही जवाब है RBI, ठीक है। आपका सही जवाब क्या है, RBI। RBI को Reserve Bank of India बोलते हैं। इसका फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई में है। इनका गवर्नर शक्तिकांत दास है। आइए थोड़ा हम ऑप्शन की बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। PNB बैंक को 1894 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इनका CEO अतुल कुमार गोयल है। SBI को 1 जुलाई 1955 को लॉन्च फॉर्मेशन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका चेयरपर्सन दिनेश कुमार है। एक्सिस बैंक को 1993 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। चलिए अभी हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर अश्विनी विश्वनाथ रिलीज्ड ए यूनिक कवर ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक फॉर व्हिच स्टेट। नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। सिक्किम, मेघालय, ओडिशा या केरला। आपका सही जवाब सिक्किम है, ठीक है। आपका सही जवाब क्या है, सिक्किम। आइए थोड़ा इस स्टेट का डिटेल्स हम देख लेते हैं। सिक्किम का कैपिटल गैंगटॉक है। इनमें 4 डिस्ट्रिक्ट है। इनमें विधानसभा सीट 32 है। मेघालय का कैपिटल शिलोंग है। इसमें डिस्ट्रिक्ट 12 है और इनमें विधानसभा सीट 60 है। ओडिशा का कैपिटल भुवनेश्वर है, डिस्ट्रिक्ट 30 है। केरला का डिस्ट्रिक्ट 14 है। इसका कैपिटल तिरुअनंतपुरम है। इसमें विधानसभा सीट 140 है। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। सॉरी गाइस, यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। हु वाज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट हैंड एम्बेसडर बाय सेवलॉन इंडिया। नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है।
एक्टर अक्षय कुमार, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी या एक्टर विकी कौशल? आपका सही जवाब है सचिन तेंदुलकर। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? सचिन तेंदुलकर। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड एक्सटेंशन इन रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन फी ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? आपका सही जवाब उत्तर प्रदेश है। आइए अभी हम थोड़ा स्टेट के बारे में देख लेते हैं डिटेल्स में। मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल है, इसमें विधानसभा सीट 230 है। छत्तीसगढ़ का कैपिटल रायपुर है, इसमें विधानसभा सीट 90 है। राजस्थान का कैपिटल जयपुर है, इसका विधानसभा सीट 200 है। उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ है और इसमें विधानसभा सीट 400 है। ठीक है, चलिए अभी हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। रिसेंटली बाय होम हैज द हाई सी ट्रीटी बीन ऑर्गेनाइज्ड? हाल ही में कौन हाई सी ट्रीटी को ऑर्गेनाइज किया है? नीचे ऑप्शन है, देख लेते हैं क्या क्या है। यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या WHO या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? आपका सही जवाब है यूनाइटेड नेशन। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? यूनाइटेड नेशन। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेयर विल द ऑल इंडिया वुमेन्स फॉल कॉन्फ्रेंस बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन मार्च 8? इंडिया में कहां पर वुमेन्स फॉल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। मुंबई, कलकत्ता, न्यू दिल्ली या देहरादून? आपका सही जवाब है मुंबई। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? मुंबई। चलिए अभी हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। स्पाई पिजन विद कैमरा फिटेड ऑन लेग कॉट इन व्हिच प्लेस ऑफ इंडिया? इंडिया में कहां पर एक स्पाई पिजन को पकड़ा गया है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। सिक्किम, मेघालय, ओडिशा या केरला? आपका सही जवाब है ओडिशा। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? ओडिशा। ओडिशा के पारादीप में ये मिला हुआ है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हुज न्यू इनिशिएटिव फिनम पावर वाज लॉन्च रिसेंटली? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। BSE, UN Women India, बोथ ऑफ देम या नॉन ऑफ दीज? आपका सही जवाब है UN Women India। ठीक है, क्या है? UN Women India। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इन व्हिच स्टेट वाज द अतुल पोंगल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में कहां पर अतुल पोंगल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया हुआ है? नीचे ऑप्शन है, देख लेते हैं क्या क्या है। ओडिशा, केरला, नागालैंड या तमिलनाडु? आपका सही जवाब है केरला। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? केरला। व्हाट इज तांगंग बीइंग डिस्कस्ड रिसेंटली? तांगंग क्या है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। चाइनीज रोवर, स्पेस स्टेशन, एंटी सैटेलाइट मिसाइल या ह्यूमनॉइड रोबोट? आपका सही जवाब है स्पेस स्टेशन। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? स्पेस स्टेशन। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। व्हिच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट इन एशिया एंड सेकंड इन वर्ल्ड टू स्टार्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन? कौन सी देश एशिया में प्रथम और विश्व में द्वितीय हाइड्रोजन पावर ट्रेन चलाया है? नीचे ऑप्शन है, देख लेते हैं क्या क्या है। फ्रांस, US, चाइना या रूसिया? आपका सही जवाब है चाइना। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? चाइना। हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज्ड बुक इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा? इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधी एरा का ऑथर कौन है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। पी ज्योतिमणि, जी बलन, बोथ ऑफ द एबव या DP बिहारी? आपका सही जवाब है बोथ ऑफ द एबव। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? बोथ ऑफ द एबव। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। 15th मार्च या 1st मार्च या 8th मार्च या 9th मार्च? चलिए सोचिए आपका सही आंसर क्या है। आपका सही जवाब है 15th मार्च। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? 15th मार्च। चलिए थोड़ा हम ऑप्शन के बैकग्राउंड देख लेते हैं क्या है। 1st मार्च को हम जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। 8th मार्च को हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं। 9th मार्च को हम वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनियन रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी अनफील्ड द फर्स्ट मेथानॉल रन बसेस इन व्हिच सिटी? पहले मिथानॉल बस कौन से शहर में चलेगा? चलिए पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। बेंगलुरु या न्यू दिल्ली या भुवनेश्वर या इनमें से कोई भी नहीं? आपका सही जवाब है बेंगलुरु। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? बेंगलुरु। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसरो हैज ड्रॉप्ड द 12th ईयर ओल्ड सैटेलाइट मेगाटोनिक इन व्हिच ओशन? इसरो ने अपना 12 साल पुराना सैटेलाइट मेगाट्रॉपिक को कौन सी ओशन में गिराया? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। पैसिफिक ओशन या इंडियन ओशन या आर्कटिक ओशन या इनमें से कोई भी नहीं? आपका सही जवाब है पैसिफिक ओशन। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? पैसिफिक ओशन। चलिए थोड़ा मेगाट्रॉपिक का बैकग्राउंड हम देख लेते हैं। इसको वेदर का स्टडी के लिए भेजा गया था। इसको हम 12 अक्टूबर 2011 में सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किए थे। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच मेडल हैज ओन बाय इंडियंस पृथ्वीराज टंडीवन इन ट्रैप शूटिंग? पृथ्वीराज टंडीवन ट्रैप शूटिंग में कौन से मेडल पाए हैं? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। ब्रॉन्ज या गोल्ड या सिल्वर या इनमें से कोई भी नहीं? आपका सही जवाब है ब्रॉन्ज। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? ब्रॉन्ज। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। With which country India signed an agreement for investment in critical minerals such as lithium and cobalt? भारत ने किस देश के साथ लिथियम और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिज में निवेश के लिए एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर किए हुए हैं? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। ऑस्ट्रेलिया, जापान या कनाडा या इनमें से कोई भी नहीं? आपका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? ऑस्ट्रेलिया। चलिए थोड़ा हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबरा है एंड करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। चलिए थोड़ा ऑप्शन का डिटेल्स भी हम देख लेते हैं। जापान का कैपिटल टोक्यो है एंड इसका करेंसी जापानीज यान है।
कनाडा का कैपिटल अटवा है एंड इसका करेंसी कनाडियन डॉलर है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिसाइडेड टू द नेशन द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड एट सिद्धि रुद्रा स्वामी जी स्टेशन, इट इज हाउ मच लॉन्ग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री सिद्धि रुद्रा स्वामी जी स्टेशन पर दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म राष्ट्र को समर्पित किया, इसका लंबाई कितना है? चलिए नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। 1507 मीटर या 1506 मीटर या 1505 मीटर या 1504 मीटर। आपका सही जवाब है 1507 मीटर। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? 1507 मीटर। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। Which stadium has been officially recognized by Guinness World Record as the largest fully scared hockey stadium in the world? दुनिया में सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन सा है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। बिरसा मुंडा स्टेडियम या ग्रीन पार्क स्टेडियम या ईडन गार्डन या इनमें से कोई भी नहीं। आपका सही जवाब है बिरसा मुंडा स्टेडियम। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? बिरसा मुंडा स्टेडियम। चलिए थोड़ा बिरसा मुंडा स्टेडियम के बारे में जान लेते हैं। इसका लोकेशन राउरकेला ओडिशा है। इसको 5 जनवरी 2023 को ओपन किया गया था। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who has been appointed as interim chairman of LIC? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। सिद्धार्थ महांति या वीपी रंजन या एमवी सुचिंद्र कुमार या इनमें से कोई भी नहीं। आपका सही जवाब है सिद्धार्थ महांति। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? सिद्धार्थ महांति। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट फॉर्म्स कमिटी टू ऑब्जर्व ट्रांसपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ वाइल्ड एनिमल इन इंडिया, हु इज हेड ऑफ द कमिटी। नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। दीपक वर्मा या संजय अग्रवाल या विकास अग्निहोत्री या इनमें से कोई भी नहीं। आपका सही जवाब है दीपक वर्मा। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? दीपक वर्मा। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच इंडियन नेवी से पार्टिसिपेटेड इन मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विद फ्रांस नेवी इन अरबियन सी। इंडिया का कौन सा जहाज फ्रांस के साथ हुआ नेवल एक्सरसाइज में भाग लिया था? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। INS सह्याद्री या INS विक्रांत या INS प्रलय या इनमें से कोई भी नहीं। आपका सही जवाब है INS सह्याद्री। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? INS सह्याद्री। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। With an aim to empower tribal communities and boost their livelihood, which state government will launch a new scheme? मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन, मुख्यमंत्री जनजाति सेविका मिशन स्कीम कौन सी स्टेट में लॉन्च किया है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। ओडिशा या उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश या बिहार, थोड़ा सोचिए इसका सही आंसर क्या है। आपका सही जवाब है ओडिशा। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? ओडिशा। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच कंपनी हैज रीब्रांडेड इटसेल्फ एज बंधन म्यूचुअल फंड, कौन सी कंपनी ने खुद को बंधन म्यूचुअल फंड के नाम से रीब्रांडेड किया हुआ है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। IDFC म्यूचुअल फंड या एक्सिस म्यूचुअल फंड या SBI म्यूचुअल फंड या इनमें से कोई भी नहीं। आपका सही जवाब है IDFC म्यूचुअल फंड। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? IDFC म्यूचुअल फंड। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इन व्हिच सिटी द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष विल ऑर्गेनाइज योगा महोत्सव 2023? हाल ही में योगा महोत्सव 2023 कहां पर आयोजित हुआ है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। न्यू दिल्ली या ओडिशा या बिहार या इनमें से कोई भी नहीं। आपका सही जवाब है न्यू दिल्ली। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? न्यू दिल्ली। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू पीएम ऑफ चाइना, चाइना का न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। ली क्वांग या जी जिनपिंग या ली के कांग या इनमें से कोई भी नहीं। आपका सही जवाब है ली क्वांग। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? ली क्वांग। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। Who has won the ICC Men's Player of the Month Award for the month of February? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। हैरी ब्रोक या MS धोनी या डेविड वार्नर या इनमें से कोई भी नहीं। आपका सही जवाब है हैरी ब्रोक। ठीक है, आपका सही जवाब सही आंसर क्या है? हैरी ब्रोक। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who has been appointed the MD or CEO by Tech Mahindra? Tech Mahindra का न्यू CEO कौन है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। मोहित जोशी या SS दुबे या संतोष कुमार यादव या इनमें से कोई भी नहीं। आपका सही जवाब है मोहित जोशी। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? मोहित जोशी। Which of the following won the Oscar for Best Original Song in 2023? किस गाने ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग इन 2023 के लिए ऑस्कर जीता है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। नाटू नाटू या दिस इज ए लाइफ या लिव मी अप या होल्ड माई हैंड। आपका सही जवाब है नाटू नाटू। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? नाटू नाटू। ठीक, नाटू नाटू सॉन्ग ट्रिपल आर मूवी का गाना था। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following won the Oscar for Best Documentary Short Film in 2023? किस शॉर्ट मूवी ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म 2023 के लिए ऑस्कर जीता है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। द एलिफेंट व्हिस्पर्स या स्ट्रेंजर एट द गेट या हाउ डू यू मेजर ए ईयर या इनमें से कोई भी नहीं। आपका सही जवाब है द एलिफेंट व्हिस्पर्स। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? द एलिफेंट व्हिस्पर। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। Who is buying collapsed Silicon Valley Bank? किसने collapsed हुआ Silicon Valley Bank को खरीदा है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। HSBC या NIT West, Barclays या इनमें से कोई भी नहीं। आपका सही जवाब है HSBC। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? HSBC। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which among the following best describe Secretariat A recently seen in news? Secretariat A क्या है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। सुपर मैसिव ब्लैक होल या एक्सोप्लैनेट या मैसिव ग्लेशियर या इनमें से कोई भी नहीं। आपका सही जवाब है सुपर मैसिव ब्लैक होल। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? सुपर मैसिव ब्लैक होल। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं।
व्हिच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ऑफ डार्ट मिशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज। यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर द के बाद में न्यूज लिखा जाएगा। डार्ट मिशन क्या है, नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। एस्ट्रॉइड डिफ्लेक्शन डिटर्मिनेशन मिशन, आर्टिक एक्सप्लोरेशन मिशन, या स्पेस मिशन टू स्टडी द सन्स कोर, या इंडिया फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन। आपका सही जवाब है एस्ट्रॉइड डिफ्लेक्शन डेमोन्स्ट्रेशन मिशन। ठीक है, आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलिबर मिसाइल रिसेंटली सीन इन द न्यूज बिलोंग्स टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। कैलिबर मिसाइल कौन सी देश का है, नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। रूसिया, पाकिस्तान, ईरान या इंडिया। आपका सही जवाब है रूसिया। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है, रूसिया। इसका कैपिटल मॉस्को है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। With which bank did Aadhar Housing Finance LTD make co-leading partnership in 2023? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। Yes Bank, HDFC Bank या SBI Bank या इनमें से कोई भी नहीं। आपका सही जवाब है Yes Bank। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है, Yes Bank। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The government intend to pass the Digital India Act. IT will replace which of the following act? चलिए नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 या ट्रेडमार्क एक्ट 1999 या कॉपीराइट एक्ट 1957 या इनमें से कोई भी नहीं। आपका सही आंसर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ठीक है, आपका सही आंसर क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। व्हिच स्टेट अप्रूव्ड द न्यू स्पोर्ट पॉलिसी 2023? कौन सी राज्य ने स्पोर्ट पॉलिसी लॉन्च किया हुआ है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आसाम या बिहार। आपका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है, उत्तर प्रदेश। चलिए थोड़ा हम उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। इसका कैपिटल लखनऊ है, इसका गवर्नर आनंदीबेन पटेल है, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है, इसमें राज्यसभा सीट 31 है, लोकसभा सीट 80 है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच कंट्री रिसेंटली लीड नेगोशिएशन बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरबिया टू रिज्यूम डिप्लोमेटिक रिलेशन? कौन सी देश ने ईरान एंड सऊदी अरब के बीच में मध्यस्थता की हुई है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। चाइना या इंडिया या अमेरिका या यूके। आपका सही जवाब है चाइना। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है, चाइना। चलिए थोड़ा चाइना के बारे में जान लेते हैं। चाइना का कैपिटल बेंजिंग है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से इसका लार्जेस्ट सिटी शंघाई है। इसका प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। वेयर हैज बोट फेस्ट 2023 बीन इनॉग्रेटेड? बोट फेस्ट 2023 कहां पर इनॉग्रेट हुआ है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। बेंगलोर या उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश या ओडिशा। आपका सही जवाब है बेंगलोर। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है, बेंगलोर। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली माउंट मर्पी वोल्केनो हैज एक्सप्लोडेड, इट इज लोकेटेड इन व्हिच कंट्री? माउंट मर्पी किस कंट्री में है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। इंडोनेशिया या अमेरिका या कनाडा या बांग्लादेश। आपका सही जवाब है इंडोनेशिया। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है, इंडोनेशिया। चलिए फिर हम थोड़ा इंडोनेशिया के बारे में जान लेते हैं। इंडोनेशिया के कैपिटल जकार्ता है, इसका प्रेसिडेंट जोको विडो है। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। एट व्हिच प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर द आर्मी हैज होस्टेड ए 100 फीट हाई नेशनल फ्लैग? जम्मू कश्मीर में कहां पर इंडियन आर्मी ने 100 फीट नेशनल फ्लैग को होस्ट किया? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। डोडा, श्रीनगर या जम्मू या इनमें से कोई भी नहीं। आपका सही जवाब है डोडा। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है, डोडा। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज इनॉग्रेटेड द बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस? बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस किसने इनॉग्रेट किया हुआ है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। नरेंद्र मोदी या राजनाथ सिंह या अमित शाह या इनमें से कोई भी नहीं। आपका सही जवाब है नरेंद्र मोदी। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है, नरेंद्र मोदी। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who has won Norwegian award recently? किसने Norwegian award जीता हुआ है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। ट्रूथ हंट्स या मेमोरियल या सेंटर फॉर सिविल लाइब्रेटीज या इनमें से कोई भी नहीं। आपका सही जवाब है ट्रूथ हंट्स। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है, ट्रूथ हंट्स। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। By which year India's digital payment market will grow to $10 trillion? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। 2026 या 2027 या 2028 या 2029। आपका सही जवाब है 2026। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है, 2026। When is CIFC Rising Day observed? कब हम CIFC Rising Day पालते हैं? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। 1st मार्च, 10th मार्च, 9th मार्च या 8th मार्च। चलिए सोचिए आपका सही आंसर क्या है। आपका सही जवाब 10th मार्च है। ठीक है, चलिए हम थोड़ा CIFC के बारे में जान लेते हैं। CIFC को हम पहली बार 1969 को ऑब्जर्व किए थे। इसका इनिशियल स्ट्रेंथ 2800 है। इसका फुल फॉर्म द सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स है। ये दुनिया का लार्जेस्ट सिक्योरिटी इंडस्ट्री है और इसमें 4 सेक्टर हैं। ठीक है, चलिए हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच कंट्री हैज प्रपोज टू क्रिएट इंटरनेशनल बिग कैट एलाइन? कौन सी देश इंटरनेशनल बिग कैट एलाइन क्रिएट करना चाहता है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। इंडिया, चाद, अल्गेरिया या इथोपिया। आपका सही जवाब है इंडिया। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है, इंडिया। चाद एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है, अल्जीरिया एक नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है, इथोपिया एक ईस्ट अफ्रीकन कंपनी है, सारी कंट्री है। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। व्हिच स्टेट इज द यासंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड?
कौन सी स्टेट में यह संघ फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। राजस्थान, ओडिशा, मणिपुर या वेस्ट बंगाल? आपका सही जवाब है मणिपुर। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? मणिपुर। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का थीम क्या है? ठीक है, नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। इलेक्शन, पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, या फेयर इलेक्शन, नेशन स्ट्रेंथ, या इंक्लूसिव इलेक्शन एंड इलेक्शन इंटीग्रिटी, या इनमें से कोई भी नहीं है। आपका सही जवाब है इंक्लूसिव इलेक्शन एंड इलेक्शन इंटीग्रिटी। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? इंक्लूसिव इलेक्शन एंड इलेक्शन इंटीग्रिटी। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इंडिया हैज इलेक्टेड टू सेंड 20,000 मेट्रिक टन ऑफ व्हीट थ्रू चाबहार पोर्ट, वेयर विल दिस व्हीट बी स्टार्ट? इंडिया चाबहार पोर्ट के थ्रू 20,000 मेट्रिक टन व्हीट देने का डिसाइड किया है, पहले किस देश से वो स्टार्ट करेगा? ठीक है, हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान या श्रीलंका? आपका सही जवाब है अफगानिस्तान। क्या आपका सही जवाब है? अफगानिस्तान। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोनार्ड सांगमा हैज बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ व्हिच स्टेट? कोनार्ड सांगमा कौन से स्टेट का सीएम बने हुए हैं? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। ओडिशा, मेघालय, मिजोरम या मणिपुर? आपका सही जवाब मेघालय है। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? मेघालय। चलिए थोड़ा हम मेघालय के बारे में जान लेते हैं। इसका कैपिटल शिलोंग है, गवर्नर फगु चौहान है, इसका फॉर्मेशन 21 जनवरी 1972 में हुआ था। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हु ऑथर्ड ए न्यू बुक टाइटल एज गॉड एज माय वर्ल्ड ए मेमोरी? एज गॉड एज माय वर्ल्ड ए मेमोरी बुक को किसने लिखा था? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। एस जयशंकर, के एम चंद्रशेखर, बिमल जलान या सुधामूर्ति? आपका सही जवाब है के एम चंद्रशेखर। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? के एम चंद्रशेखर। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु बिकम फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू बी जज ऑफ मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन न्यूयॉर्क यूएसए? मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज कौन है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। अजय कुमार श्रीवास्तव, जैसन मो, सालिया मेहरा, अरुण सुब्रमण्यन? आपका सही जवाब है अरुण सुब्रमण्यन। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। व्हिच कंट्री ओपन मिलिट्री बेस इन नॉर्दर्न नॉर्वे? यहाँ पर आई एम हो गया है, ये एन होगा। नॉर्दर्न नॉर्वे में कौन सी कंट्री मिलिट्री बेस ओपन की हुई है? ठीक है, नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। इंडिया, जापान, यूके, कनाडा? आपका सही जवाब है यूके। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? यूके। फॉर्मर इंडियन फुटबॉल गोलकीपर खूबसूरत संपत पास्ट अवे, ही वाज फ्रॉम व्हिच स्टेट? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। आसाम, कर्नाटका, गोवा, ओडिसा? भारतीय पूर्व फुटबॉल गोलकीपर खूबस्वामी संपत का निधन हो गया है, वो कौन से राज्य के थे? इसका सही आंसर कर्नाटका है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? कर्नाटका। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। Who was appointed as the new speaker of the Meghalaya Legislative Assembly? मेघालय विधानसभा के नए उपाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। अवनी चतुर्वेदी, थॉमस ए संगमा, अभिलाष बारिक, सरी बाराक, विजय लक्ष्मी रमन? आपका सही जवाब है थॉमस ए संगमा। चलिए थोड़ा हम मेघालय के बारे में जान लेते हैं। इसका कैपिटल शिलोंग है, विधानसभा का सीट 60 है, लोकसभा का सीट 2 है, राज्यसभा का सीट 1 है। मैं राइट वन भूल गया था। Which ministry recently organized a women lead cleanliness campaigning स्वच्छता सप्ताह? हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा महिला नेतृत्व स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया है? नीचे ऑप्शन है, देख लेते हैं क्या क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, या इनमें से कोई भी नहीं है। इसका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस टू इम्प्लीमेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स ऑन व्हिच टाइप ऑफ करेंसी? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। क्रिप्टो करेंसी, यूपीआई मनी, पेटीएम मनी, या इनमें से कोई भी नहीं। आपका सही जवाब है क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? क्रिप्टो करेंसी। हु ऑन द फ्रिजकर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 रिसेंटली? किसने फ्रिजकर आर्किटेक्चर प्राइज को जीता है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। डेविड जेटफील्ड, सुदर्शन पटनायक, शैलजा धामी या अवनी चौधरी, सरी चतुर्वेदी? आपका सही जवाब है डेविड जेटफील्ड। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? डेविड जेटफील्ड। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। Where was the 23rd Commonwealth Law Conference 2023 held recently? हाल ही में कहां पर 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। मुंबई, गोवा, लंदन, या इनमें से कोई भी नहीं। आपका सही जवाब है गोवा। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? गोवा। चलिए हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who was recently appointed as the new Prime Minister of Qatar? कतर के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। अमीर तमीम बिन हमीद अल्थानी, या शेख मोहम्मद अब्दुल रहमान बिन जिसम अल्थानी, या सलमान बिन हनद अल खलीफा, या मोहम्मद बिन सेकमान अल साबू? आपका सही जवाब है शेख मोहम्मद अब्दुल रहमान बिन जिसम अल्थानी। ठीक है, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर? ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया हुआ है? ठीक है, नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। WMO, WHO, IMF, या इनमें से कोई भी नहीं। आपका सही जवाब है WMO। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? WMO। WMO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम 23 मार्च 1950 को स्थापित किए थे। चलिए अब थोड़ा हम WHO के बारे में भी जान लेते हैं। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जेनिवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है,
इसको 7 अप्रैल 1948 को बनाया गया था। ठीक है, फिर हम आईएमएफ की तरफ चलते हैं। आईएमएफ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। इसका फॉर्मेशन 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who has been elected as the president of China in March 2023? March 2023 में चाइना का प्रेसिडेंट कौन बना? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। जी जिनपिंग, जी आंग जेमिन, हु जिनताओ, या इनमें से कोई भी नहीं। आपका सही जवाब है जी जिनपिंग। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? जी जिनपिंग। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। फोर्थ Y20 कॉन्सुलेशन मीटिंग विल बी हेल्ड इन व्हिच सिटी? फोर्थ Y20 कॉन्सुलेशन मीटिंग कौन से शहर में हुआ था? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। पुणे, नागपुर, भुवनेश्वर या मुंबई। चलिए सोचिए इसका सही आंसर क्या है। आपका सही आंसर है पुणे। ठीक है, आपका सही आंसर क्या है? पुणे। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र के एक सिटी है। ठीक है, चलिए हम थोड़ा नागपुर के बारे में भी जान लेते हैं। नागपुर को हम टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये एक महाराष्ट्र का शहर है। ओडिशा स्टेट में भुवनेश्वर है। मुंबई महाराष्ट्र का एक सिटी है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड फंक्शन वाज हेल्ड इन व्हिच कंट्री? गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड फंक्शन कौन से देश में आयोजित किया गया था? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। जर्मनी, इंडिया, रूसिया या इनमें से कोई भी नहीं। आपका सही जवाब है जर्मनी। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? जर्मनी। जर्मनी एक वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है। इसका कैपिटल बर्लिन है। इसका करेंसी यूरो है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इन व्हिच सिटी ए न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड बेगर फ्री सिटी हैज बीन लॉन्च्ड? कौन सी शहर में बेगर फ्री सिटी लॉन्च किया गया है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। नागपुर, भुवनेश्वर, मुंबई या न्यू दिल्ली। आपका सही जवाब है नागपुर। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? नागपुर। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर इज द खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट स्टार्ट? कहां पर खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट आयोजित किया गया है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। न्यू दिल्ली, मेघालय, मिजोरम या मणिपुर। आपका सही जवाब है न्यू दिल्ली। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? न्यू दिल्ली। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which satellite was recently handed over by the NASA to ISRO? NASA ने कौन सी सैटेलाइट ISRO को हैंड ओवर किया हुआ है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। नाइजर या स्पुटनिक 1 या एक्सप्लोरर 1 या इनमें से कोई भी नहीं। आपका सही जवाब है नाइजर। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? नाइजर। नाइजर का फुल फॉर्म है NASA ISRO सिंथेटिक एपर्चर रेडर मिशन। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which country is introduced military service for women for first time in 25 years? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। कोलंबिया, इंडिया, जापान या रूसिया। आपका सही जवाब है कोलंबिया। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? कोलंबिया। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। Who was recently elected the new president of Nepal? नेपाल का न्यू प्रेसिडेंट कौन बने? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। रामचंद्र पौडेल, पुष्पा कमल या विद्या देवी या इनमें से कोई भी नहीं। आपका सही जवाब है रामचंद्र पौडेल। With which country India recently signed semiconductor MOU? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर का डील किया हुआ है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। अमेरिका, रूसिया, जापान या बांग्लादेश। आपका सही जवाब है अमेरिका। ठीक है, आपका सही जवाब क्या? अमेरिका। ठीक है, आपका सही जवाब अमेरिका है। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। Which country chaired 19th ministerial meeting of BIMSTEC? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। थाईलैंड, इंडिया, बांग्लादेश या श्रीलंका। आपका सही जवाब है थाईलैंड। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? थाईलैंड। आइए थोड़ा हम BIMSTEC के बारे में जान लेते हैं। BIMSTEC की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसका हेडक्वार्टर ढाका में है। इसको 1997 में शुरू किया गया था। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली व्हिच सिटी वाज मेड द न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया? इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। नुसंतारा, बाली, ढाका या इनमें से कोई भी नहीं। आपका सही आंसर है नुसंतारा। ठीक है, आपका सही आंसर क्या है? नुसंतारा। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड किडनी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। 9th मार्च, 11th मार्च, 1st मार्च या इनमें से कोई भी नहीं। आपका सही जवाब है 9th मार्च। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? 9th मार्च। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेयर इज द 5th एशियन इंडियन बिजनेस समिट 2023 हेल्ड? कहां पर एशियन इंडियन बिजनेस समिट 2023 पालन किया गया? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। कुआलालंपुर, ढाका या जकार्ता या न्यू दिल्ली। आपका सही जवाब है कुआलालंपुर। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? कुआलालंपुर। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हु रोट द बुक मुंडक उपनिषद द ग्रेट वे टू इटर्निटी? किसने मुंडक उपनिषद लिखा हुआ है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। डॉक्टर करण सिंह या गीतांजलि श्री या मेघनाथ देसाई या इनमें से कोई भी नहीं। आपका सही जवाब है डॉक्टर करण सिंह। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? डॉक्टर करण सिंह। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनिसेफ व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीजेस इन द नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन सफरिंग फ्रॉम द मैलन्यूट्रिशन? यूनिसेफ के अनुसार कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं के संख्या में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। 25% या 35% या 45% या 55%। आपका सही जवाब है 25%। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? 25%। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर? ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया हुआ है? ठीक है, नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। WMO, WHO, IMF या इनमें से कोई भी नहीं।
आपका सही जवाब है WMO, ठीक है। आपका सही जवाब क्या है? WMO। WMO का कुलक्रम है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम 23 मार्च 1950 को स्थापित किए थे। चलिए अब थोड़ा हम WHO के बारे में भी जान लेते हैं। WHO का फुटक्रम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। इसको 7 अप्रैल 1948 को बनाया गया था, ठीक है। फिर हम IMF की तरफ चलते हैं। IMF का फुटक्रम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। इसका फॉर्मेशन 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who has been elected as the president of China in March 2023? March 2023 में चाइना का प्रेसिडेंट कौन बना? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। जी जिनपिंग, जी यांग जेमिन, हु जिनताओ, या इनमें से कोई भी नहीं। आपका सही जवाब है जी जिनपिंग, ठीक है। आपका सही जवाब क्या है? जी जिनपिंग। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। फोर्थ Y20 कंसुलेशन मीटिंग विल बी हेल्ड इन व्हिच सिटी? फोर्थ Y20 कंसुलेशन मीटिंग कौन से शहर में हुआ था? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। पुणे, नागपुर, भुवनेश्वर या मुंबई। चलिए सोचिए इसका सही आंसर क्या है। आपका सही आंसर है पुणे, ठीक है। आपका सही आंसर क्या है? पुणे, ठीक है। पुणे महाराष्ट्र के एक सिटी है, ठीक है। चलिए हम थोड़ा नागपुर के बारे में भी जान लेते हैं। नागपुर को हम टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये एक महाराष्ट्र का शहर है। ओडिशा स्टेट में भुवनेश्वर है। मुंबई महाराष्ट्र का एक सिटी है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड फंक्शन वाज हेल्ड इन व्हिच कंट्री? गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड फंक्शन कौन सी देश में आयोजित किया गया था? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। जर्मनी, इंडिया, रूसिया या इनमें से कोई भी नहीं। आपका सही जवाब है जर्मनी, ठीक है। आपका सही जवाब क्या है? जर्मनी। जर्मनी एक वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है। इसका कैपिटल बर्लिन है। इसका करेंसी यूरो है, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इन व्हिच सिटी ए न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड बेगर फ्री सिटी हैज बीन लॉन्च्ड? कौन सी शहर में बेगर फ्री सिटी लॉन्च किया गया है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। नागपुर, भुवनेश्वर, मुंबई या न्यू दिल्ली। आपका सही जवाब है नागपुर, ठीक है। आपका सही जवाब क्या है? नागपुर। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर इज द खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट स्टार्ट? कहां पर खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट आयोजित किया गया है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। न्यू दिल्ली, मेघालय, मिजोरम या मणिपुर। आपका सही जवाब है न्यू दिल्ली, ठीक है। आपका सही जवाब क्या है? न्यू दिल्ली। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which satellite was recently handed over by the NASA to ISRO? NASA ने कौन सी सैटेलाइट ISRO को हैंड ओवर किया हुआ है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। नाइजर या स्पुटनिक 1 या एक्सप्लोरर 1 या इनमें से कोई भी नहीं। आपका सही जवाब है नाइजर, ठीक है। आपका सही जवाब क्या है? नाइजर। नाइजर का फुलफॉर्म है NASA ISRO सिंथेटिक एपर्चर रीडर मिशन, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which country is introduced military service for women for first time in 25 years? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। कोलंबिया, इंडिया, जापान या रूसिया। आपका सही जवाब है कोलंबिया, ठीक है। आपका सही जवाब क्या है? कोलंबिया। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। Who was recently elected the new president of Nepal? नेपाल का न्यू प्रेसिडेंट कौन बने? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। रामचंद्र पौडेल, पुष्प कमल या विद्या देवी या इनमें से कोई भी नहीं। आपका सही जवाब है रामचंद्र पौडेल। With which country India recently signed semiconductor MOU? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर का डील किया हुआ है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। अमेरिका, रूसिया, जापान या बांग्लादेश। आपका सही जवाब है अमेरिका, ठीक है। आपका सही जवाब क्या? अमेरिका, ठीक है। आपका सही जवाब अमेरिका है। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। व्हिच कंट्री चेयर्ड 19th मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ बिम्स्टेक? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। थाईलैंड, इंडिया, बांग्लादेश या श्रीलंका। आपका सही जवाब है थाईलैंड, ठीक है। आपका सही जवाब क्या है? थाईलैंड। आइए थोड़ा हम बिम्स्टेक के बारे में जान लेते हैं। बिम्स्टेक की फुलफॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसका हेडक्वार्टर ढाका में है। इसको 1997 में शुरू किया गया था। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली व्हिच सिटी वाज मेड द न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया? इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। रुसंतारा, बाली, ढाका या इनमें से कोई भी नहीं। आपका सही आंसर है रुसंतारा, ठीक है। आपका सही आंसर क्या है? रुसंतारा। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड किडनी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। 9th मार्च, 11th मार्च, 1st मार्च या इनमें से कोई भी नहीं। आपका सही जवाब है 9th मार्च, ठीक है। आपका सही जवाब क्या है? 9th मार्च। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर इज द 5th एशियन इंडियन बिजनेस समिट 2023 हेल्ड? कहां पर एशियन इंडियन बिजनेस समिट 2023 पालन किया गया? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। कुआलालंपुर, ढाका या जकार्ता या न्यू दिल्ली। आपका सही जवाब है कुआलालंपुर, ठीक है। आपका सही जवाब क्या है? कुआलालंपुर। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हु रोट द बुक मुंडक उपनिषद द ग्रेट वे टू इटर्निटी? किसने मुंडक उपनिषद लिखा हुआ है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। डॉक्टर करण सिंह या गीतांजलि श्री या मेघनाथ देसाई या इनमें से कोई भी नहीं। आपका सही जवाब है डॉक्टर करण सिंह, ठीक है। आपका सही जवाब क्या है? डॉक्टर करण सिंह। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनिसेफ व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीजेस इन द नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन सफरिंग फ्रॉम द मैलन्यूट्रिशन? यूनिसेफ के अनुसार कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं के संख्या में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। 25% या 35% या 45% या 55%। आपका सही जवाब है 25%, ठीक है। आपका सही जवाब क्या है? 25%।
आज के लिए इतना ही। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।